महाराष्ट्र राज्य में सिंधुदुर्ग जिले के देवगढ़ पंचायत समिति के तहत आने वाली बापरडे ग्राम पंचायत ने तालुका, जिला, विभाग, राज्य, केंद्र स्तर, स्वच्छता क्षेत्र, वृक्ष लागवड, इन क्षेत्रों में अनेक पुरस्कार प्राप्त करने वाली जिले की पहली ग्राम पंचायत बनी है। आज गांव को राष्ट्रीय पंचायत राज भारत सरकार के तहत कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार के लिए ग्राम पंचायत की श्रेणी में नामित किया है। ग्राम पंचायत बापरडे में परिवारों को राष्ट्रीय बायोगैस योजना के तहत लाभ देकर गांव को धुआं मुक्त बनाया गया है। गांव में पेड़ों की कटाई ना करने, नए पेड़ लगाने और ग्रामीण को कागज की थैलियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। गांव के सभी सार्वजनिक भवन और गांव की स्ट्रीट लाइटें गैर पारंपरिक ऊर्जा से संचालित की गई है। गांव के सभी परिवारों ने सोखता गड्ढा और किचन गार्डन तैयार करके गांव में प्लास्टिक और कचरे को संसाधित करने के लिए एक ठोस अपशिष्ट परियोजना स्थापित की गई है। ग्राम पंचायत बापरडे में कार्बन न्यूट्रल योजना पर काम करने से पहले गांव में घरेलू खाना पकाने के लिए लकड़ी का उपयोग किया जाता था। साथ में घर में एलईडी बल्ब का इस्तेमाल भी नहीं होता था। पुरस्कार श्रेणी की चुनौती को दूर करने के लिए ग्राम पंचायत ने सभी परिवारों के लिए एक बायोगैस एलईडी बल्ब और सौर ऊर्जा के संचालित सरकारी इमारतें और गांव की स्ट्रीट लाइट, प्लास्टिक पर प्रतिबंध, इस प्रकार की योजनाओं का इस्तेमाल करके ग्राम पंचायत ने पहल की है। इस काम के लिए केंद्र, राज्य सरकार, ग्राम संस्थाओं, पंचायत समिति, जिला परिषद, स्कूलों, स्वस्थ उपकेंद्रों, ग्राम युवाओं और पंचायतों द्वारा समर्थन और मदद मिली है। भविष्य में गांव में ही गैर पारंपरिक ऊर्जा पैदा करने पर ध्यान दिया जाएगा। उक्त ऊर्जा का उपयोग गांव और आसपास के गांवों की जरूरतमंद उम्मीदियों को करने की योजना बनाई जा रही है। हापुस आम की मुख्य खेती के लिए बूंद सिंचाई का उपयोग किया जाएगा और प्लास्टिक को गांव के सड़कों के निर्माण में इस्तेमाल करने की योजना है। बापरडे गांव के सभी स्कूलों में कार्बन न्यूट्रल के बारे में शिक्षित करने की योजना बनाई जा रही है।